नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज मंगलवार को होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो को न सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे बल्कि उसमें सवार भी होंगे। मेट्रो को लेकर लघु फिल्म भी दिखाई गई जिसमें जो है देश में बढ़ती नेटवर्क के बारे में जानकारी दी गई। मेट्रो का सुभाष नगर स्टेशन से RKM स्टेशन के बीच ट्रायल रन होगा। हालांकि इस रूट पर मेट्रो में आम आदमी का सफर अगले साल जून के बाद ही शुरू हो पाएगा। मुख्यमंत्री चौहान आज मेट्रो के फाइनल ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले वे सुभाष नगर डिपो में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, फिर कोच को हरी झंडी दिखाएंगे। वे मेट्रो में सवार होकर रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंचेंगे। ट्रायल रन के दौरान जो है केंद्रीय स्कूल, DB मॉल और MP नगर स्टेशन भी आएंगे। हालांकि मेट्रो यहाँ नहीं रुकेगी। सीएम शिवराज ने कहा, मैं बचपन से भोपाल आता था, पहले तांगा चलता था, पहले छोटा सा भोपाल था, तांगे वाला भोपाल था, तांगे से आगे बढ़े तो भट्ट सुअर आए, इसके बाद जो है छोटे ऑटो आए, टैक्सियां चली, फिर स्मार्ट बस चली, अब हम सफर तय कर रहे हैं तांगे से लेकर मेट्रो तक का। पहले हमारा मजाक उड़ाते थे कि कहाँ मेट्रो चलेगी, लेकिन जो हमने कहा था वो किया है। पहले गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से जो है मेट्रो वाला हो गया है। भोपाल मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर जो है सुभाष नगर स्टेशन पर उत्सव का माहौल है। यहाँ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है, साथ ही मेट्रो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गोर, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, मध्य विधानसभा से BJP प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह, उत्तर विधानसभा से जो है BJP प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मंच पर मौजूद हैं। गुजरात के सावली बड़ोदरा से करीब 850 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 17 सितंबर को रात में कोच भोपाल लाए गए थे। 18 सितंबर को उन्हें डिपो में बने इंस्पेक्शन बे लाइन IBL पर लाया गया था। इसके बाद जो है सीनियर इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सुपरवाइजर सहित 50 से ज़्यादा लोगों की टीम कोच को कनेक्ट करने और उनकी टेस्टिंग में लगी थी। 8 दिन यह काम करने के बाद 26 सितंबर को मेट्रो ट्रैक पर चलाकर देखी गई थी। 6 दिन तक मेट्रो को कई बार ट्रैक पर लाया गया। सोमवार को भी मेट्रो को ट्रैक पर चलाकर देखा गया। सुभाष नगर से RKMP के बीच जो है कुल 5 स्टेशन है, लेकिन मेट्रो 2 स्टेशन सुभाष नगर और RKM तक ही जाएगी। केंद्रीय स्कूल, DB मॉल और MP नगर स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुकेगी। CM जिस स्टेशन से मेट्रो में सवार होंगे और जहां उतरेंगे उन दोनों स्टेशनों को चमकाया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ एस्केलेटर, सीढ़ियां और फुट ओवर ब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं रेड कारपेट बिछाया गया है। मेट्रो कोच और स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। वहीं जो है मेट्रो ट्रेन के प्रत्येक कोच की 22 मीटर लंबाई और 2.9 मीटर चौड़ाई है। मेट्रो के एक कोच में करीब जो है 50 पैसेंजर जो है बैठ सकते हैं। वहीं इसमें जो है 300 पैसेंजर के खड़े रहने की क्षमता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।